अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पैगामे अम न्यूज। मैं हूं शिजा। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामा में बड़ी तब्दीली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म, नवाज शरीफ, मरियम, कैप्टन सफदर की अडियाला जेल से रिहाई। खसूसी तैयारी से लाहौर आमद, लीगी कारकुनों का जश्न, कायद का वलहाना इस्तकबाल। अल्लाह ताला हक और इंसाफ का साथ देता है, बेगुनाह था साबित हो गया, मैंने कोई गलती नहीं की, मेरा जमीर मुतमईन है, नवाज शरीफ का बयान। शरीफ खानदान की रिहाई पर चेयरमैन नैब ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। आज मरमुल हराम के जुलूस निकाले जाएंगे, सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। वापदा काम की मुबैना गफलत, आरिफ वाला टिका कॉलोनी बिजली के पोल पर लटकते हुए मीटर किसी विवाह हादसे का बायस बन सकते हैं, वापदा काम इस तरफ भी नजर डालें। चीचा पत्नी में 11 साल का बच्चा पूरी शराब बीमारी में मुबतला, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, इलाज बरूनी मुल्क होगा। वालदैन नहायत ही गरीब है, मुबैना हजरात से मदद की अपील। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स चीचा पत्नी के तालिब इल्म का एजाज, होनहार तालिब इल्म मुबशर अली ने पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, कश्मीर बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के डी कॉम पार्ट 2 के सालाना इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल की। फैसलाबाद यौम शूर पर बिजली के बिल तौतल फरामी के लिए खसूसी इकदाम, मरकजी जुलूसा के रूट्स और शाम गरीबा के लिए बिजली फराम की जाएगी, चीफ एग्जीक्यूटिव फीस को नए अहकाम जारी कर दिए। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने फर्स्ट ईयर के तलबा और तालिबात के दाखिला रजिस्ट्रेशन तारीख में तोसी कर दी, दाखिला रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 27 सितम्बर होगी। ये थी न्यूज हेडलाइंस। मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारा पेज विजिट कीजिए, pahnewslive.com।